हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ वंदना, योर मैथ टीचर, सिक्स स्टैंडर्ड मैथ्स में आज हम अपना लेसन नंबर 12 जो है वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। ओके, तो जाहिर सी बात है इससे पहले वाले जो चैप्टर में है हमने काफ़ी चीज़ें जो होते हैं वो प्रोट्रैक्टर की हेल्प से एंगल बनाना सीखा था, डिफरेंट टाइप ऑफ द एंगल सीखा था। आज हम सीखने वाले हैं कि जो बेसिक हमारे कौन कौन से शेप्स हमारे सिलेबस में आते हैं और उनके जो होते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमारा जो होता है, आज मैं आप लोगों को देती हूँ कि पॉलीगॉन क्या होता है। पॉलीगॉन मीन्स होता है, आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मेरा लाइन है, अब एक लाइन का तो शेप बन नहीं सकता है और दो लाइन से बना हुआ जो शेप होता है वो तो एंगल कहलाता है। दो से ज़्यादा अगर हमारे लाइन सेगमेंट आपस में मिलकर के डिफरेंट टाइप ऑफ द शेप्स बनाते हैं तब हम उसे कहते हैं पॉलीगॉन। ठीक है, अब वो तीन लाइन का बना हुआ भी हो सकता है, चार लाइन का बना हुआ भी हो सकता है, पांच लाइन का बना हुआ भी हो सकता है। तो ये सब हमारे जो होते हैं ये क्या कहलाएंगे, पॉलीगॉन्स। छह लाइन का बना हुआ क्या कहलाएगा, हेक्सा कहलाएगा। इसी तरीके से सात लाइन का बना हुआ जो शेप होगा वो सेक्टा कहलाएगा। ठीक है, आठ का बना हुआ ऑक्टा कहलाएगा। तो ये जो होता है वो हमारे लाइन सेगमेंट से मिल करके बने हुए शेप्स को हम कहेंगे पॉलीगॉन। ओके, अब इस अगर मैं कहूँगी कि भाई आपके पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन में से मैंने आपको तीन या चार लाइन का बना हुआ एक शेप ले लिए हैं, उन शेप्स में जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट कौन कौन से हैं आप मुझे आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने तीन लाइन सेगमेंट से बना हुआ शेप यहाँ पर लिया है। अब इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसमें जो होता है देखिए, जहाँ पर ये दोनों लाइन सेगमेंट मिलते हैं, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इनको हम कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहेंगे, वर्टेक्स। ठीक, और इसके अलावा अगर मैं आपसे ये बोलूँगी कि भाई ये जो लाइन सेगमेंट है इनको अगर आपको दूसरे लफ्जों में कुछ कहना हो तो क्या कहोगे, तो इनको आप कह सकते हैं कि ये तो या तो आर्म्स कहेंगे, अगर ट्रायंगल यूज कर रहे हैं तो आप आर्म्स कहेंगे, वरना एजेस कहेंगे। ठीक, ओके, ये हमारी एजेस कहलाती है। डन, यहाँ तक आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर जो होता है वो डिफरेंट जो शेप्स होते हैं उनमें जो होते हैं, जैसे अगर खाली एक सिंपल लाइन के बने हुए जो होते हैं वो लाइन सेगमेंट है तो उनको हम क्या कहेंगे, ये पॉलीगॉन कहलाते हैं। अगर पॉलीगॉन की आपसे कहा जाए कि भाई डिफाइन बताइए कि पॉलीगॉन की डिफाइन क्या होती है, तो आप कह सकते हैं वो पॉलीगॉन ऐसे शेप्स हैं जो लाइन सेगमेंट के बने हुए क्लोज्ड शेप या फिगर को हम बोलते हैं वो पॉलीगॉन कहते हैं। और पॉलीगॉन जो होते हैं ज़्यादातर आप कहेंगे कि भैया पॉलीगॉन जो होते हैं वो क्वाड्रिलेटरल होते हैं। क्वाड्रिलेटरल मीन्स मतलब क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल मीन्स होता है चार लाइन से बना हुआ सेगमेंट, इसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्री मीन्स होता है चार। ठीक, ओके, तो यहाँ पर चार लाइन से बना हुआ जो शेप है इसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। इनमें कौन कौन से पार्ट होंगे, इनमें फर्स्ट जो होता है ये यहाँ पर जो हमारे मिल रहे हैं दो लाइन सेगमेंट इनको बोलेंगे वर्टेक्स। ठीक, और ये जो है हमारी ये क्या कहलाएंगे, ये हमारी एजेस कहलाएंगे। ठीक है, और जो शेप कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। अब क्वाड्रिलेटरल में तो बहुत सारे आते हैं कि भाई अगर क्वाड्रिलेटरल आपका कैसा है, तो क्वाड्रिलेटरल होते हैं अगर सब लाइनें सेम टाइप की हैं और सेम लेंथ शो कर रही हैं तो इसको बोलेंगे रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, है कि नहीं। और अगर मान लीजिए मैंने कहा एक ज़्यादा है एक ऐसी है और एक ऐसी है, तो ये इसमें जाहिर सी बात है कि ये वाली लाइन सेगमेंट किसके बराबर नहीं है, ये वाली इसके बराबर नहीं है, मतलब चारों जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो होती हैं वो लाइन सेगमेंट हैं, तो इनको हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन्स। ओके, यहाँ तक आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। अब आपके सिलेबस में मैंने कहा कि जो ट्राइंगल है जो तीन लाइन से बना हुआ है उसकी जो होता है वो ज़्यादा पूछी जाती है कि भाई इनके बारे में आप ज़्यादा है थोड़ा डिटेल में बताइए हमको। तो पहला जो है क्वाड्रिलेटरल, तक तो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। क्वाड्रिलेटरल में आप लोग एक बार और ध्यान रखिएगा कि क्वाड्रिलेटरल में जो होता है आप लोग बड़े पढ़ने वाले हैं कि
जैसे पैरेललोग्राम क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, ट्राइपोजियम क्या होता है, ये आपके बड़े स्टैंडर्ड्स में आएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल में आप लोग जो होते हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, आप ट्राइंगल पढ़ने वाले हैं। और ट्राइंगल में मतलब आप डिफाइन अगर लिखी होगी तो आप कह सकते हो कि ट्राइंगल एक ऐसा शेप जो क्लोज शेप है या क्लोज फिगर है जो तीन लाइनों का बना हुआ होता है। इसमें जो होते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसमें वर्टेक्स होता है, एजेस होती हैं और डायगोनल भी होता है। डायगोनल मीन्स होता है कोई भी आप परपेंडिकुलर लाइन खींचे, जैसे मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक खींचती हूँ तो यहाँ पे राइट एंगल बनेगा यानी कि 90 डिग्री का, और इसको दो बराबर भागों में बांट देगा तो दैट इज कॉल्ड द डायगोनल। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी बना सकती हूँ, तो ये इस वाली लाइन को दो बराबर भागों में काट रहा है और यहाँ पर राइट एंगल बनाया होगा। ठीक, इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी कर सकती हूँ, सेम टू सेम इसको मैं काटूंगी तो ये यहाँ पर जाकर मिलेगा और यहाँ पर मेरा राइट एंगल बनेगा। ठीक, तो ये तीन जो होते हैं इस ट्राइंगल के जो होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये हमारा जो है मतलब तीनों लाइनें जो होते हैं सेम है, इक्वल है, तो यहाँ पर तीन जो होता है वो हमारे डायगोनल बन रहे हैं और बराबर जो होता है वो तीन भागों में मतलब पार्ट रहे हैं। ठीक है कि नहीं है? ओके, तो यहाँ तक हमारी जो बात आ गई कि ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब ट्राइंगल को आपको अगर लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, तो वो भी मैं आपको सिखा देती हूँ। ट्राइंगल फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको डिफरेंट फाइव जो इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास है। ठीक है, मैंने कहा पी क्यू आर। ओके, अब आपसे ये बोला जा रहा है कि इसके आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को मुझे लिख के बताइए, तो आप क्या करोगे, आप करोगे सबसे पहले बनाओगे कि मेरी लाइन सेगमेंट कौन कौन सी है, तो आप लिखोगे पी क्यू लाइन सेगमेंट जो भी आपकी लेंथ होगी, फिर उसके बाद जो दूसरा बॉक्स लिखोगे क्यू आर लाइन सेगमेंट और तीसरा लिखोगे आर पी आर पी। इस तरीके से हम लिखते हैं लाइन सेगमेंट। अब आता है कि अगर आपको इसी ट्राइंगल में डिफरेंट डिफरेंट एंगल को जो है वो लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, तो उसका दो तरीका है। आपको जिस एंगल की बात करनी है उससे पहले वाले से चालू करके उसको मिडिल में रखिएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे पी का लिखना है कि ये पी एंगल है, तो मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी पी का एंगल लिखना है तो क्यू पी आर। इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकती हूँ, एंगल आर पी क्यू डन। अब इसी तरीके से अगर मुझे आर एंगल के बारे में बात करनी है तो मैं क्या करूँगी, अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप पी लिखना चाहेंगे तो भी चलेगा। ठीक, अब मुझे अगर मान लीजिए ये आर एंगल के बारे में लिखना है तो मैं क्या करूँगी, पी आर क्यू या क्यू आर पी इस तरीके से लिखेंगे, तो पी आर क्यू या फिर आप लिख सकते हो एंगल क्यू आर पी या फिर आप लिख सकते हो सिर्फ एंगल क्यू या आर आपकी बात कर रहे हो। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दो एंगल की बात कर ली, इसी तरीके से हम अपने जो है वो क्यू एंगल को अगर हमको रिप्रेजेंट करना होगा और या लिखना होगा तब हम लिखेंगे सबसे पहले एंगल का साइन बनाएंगे, फिर लिखेंगे पी क्यू आर। इसी तरीके से अगर हमको दूसरी साइड से लिखना है तो हम लिखेंगे एंगल आर क्यू पी, और अगर फिर भी नहीं लिखना है तो हम डायरेक्ट क्यू। तो इस तरीके से ये तीन मैंने आपको मेथड बताया कि किस तरीके से आप जो होते हैं वो एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर अपनी नोटबुक में जो होते हैं किस एंगल के बारे में बात कर रहे हो तो लिखा कैसे जाता है। अगर आपको लाइन सेगमेंट लिखना होगा तो आप इस तरीके से जो भी लाइन के बारे में है एक ध्यान रखिएगा कि अब जब कभी भी आप शेप्स की बात करेंगे तो हर शेप्स में हर पार्ट का किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई नाम ज़रूर दे दीजिएगा। अगर दिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ है तो आप अपनी तरफ से ऐड करिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे सामने डिफरेंट डिफरेंट अगर शेप्स लिखे हैं और मुझे इनके बारे में बताना है तो सबसे पहले मैं इनके हर पार्ट के को नाम दे दूँगी और नाम देने के बाद में मैं उसे पर्टिकुलरली बता सकती हूँ कि मैं किस के बारे में बात कर रही हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर तीन लाइन से बना हुआ शेप फिगर है जिसे हम ट्राइंगल कहते हैं। अब
ट्राइंगल में जो होता है जहाँ पर दो लाइन सेगमेंट मिलती हैं उस पॉइंट को आप वर्टेक्स कहते हैं, और जो लाइन सेगमेंट है उसको आर्म्स भी कह सकते हैं या फिर आप एजेस भी कह सकते हैं, जो भी कहना है। और तीसरा होता है कि ऐसी लाइन जो आपके ट्राइंगल को परपेंडिकुलर बीच में से कहीं से काट रही हो, जैसे मान लीजिए बेस लाइन मान लीजिए मैंने ये वाली ली है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन बीच है जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है बोथ साइड में, और इस ट्राइंगल को दो भाग बराबर भागों में डिवाइड कर दी है, तो इसे कहते हैं कह सकते हैं डायगोनल। ठीक है, कि नहीं लाइक इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया। अब आपको डिफरेंट पार्ट को रिप्रेजेंट अगर यदि करना होगा तो कैसे करेंगे, कैसे लाइन सेगमेंट को करना होगा तो मैं उस लाइन दोनों जो पॉइंट कहाँ से लेकर कहाँ तक वो लाइन विधि चल रही है उसको लिखूंगी, और ये ऊपर जो है वो लाइन सेगमेंट का साइन बनाऊंगी। और अगर मेरे पास में आप रो आप रे वगैरह बना रहे हैं तो रे वगैरह में डायरेक्शन दिया होता है, तो हमेशा रे में जैसे मान लीजिए पी या आर की आपको कोई रे दी हुई है तो उसको उस तरीके से जिस साइड में वो जा रही है उसका डायरेक्शन हम शो कर देते हैं। ठीक है, मतलब डायरेक्शन भी दिया जाता है। अब आपके सामने एंगल अगर रिप्रेजेंट करना होगा जैसे क्यू एंगल है तो मैं इस तरीके से भी ले सकती हूँ, इस तरीके से ले सकती हूँ। और अगर मैं कहूँ कि भाई किस ट्राइंगल की बात कर रही हूँ तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कहूँगी मैं ट्राइंगल पी क्यू आर की बात कर रही हूँ। समझ में आ गया, आपसे मैंने कहा कि ट्राइंगल पी क्यू आर में कौन कौन से पार्ट है तो आपने डिफरेंट टाइप जो होता है लाइन सेगमेंट बता दिए, और आप उनके जो एंगल्स हैं उनको किस तरीके से लिखने वाले हो वो बता दिए। ठीक है, आई होप सो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम अगर यदि ट्राइंगल्स में डिफरेंट पार्ट्स को रिप्रेजेंट करना होगा आपको अपनी नोटबुक में तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो होता है वो एक्सरसाइज 12.1 जो होता है वो लगभग इसी तरीके की है कि आपसे पूछा जा रहा है कि डिफरेंट टाइप ट्राइंगल्स बता रहे हैं, प्लस उसके बाद में आपको जो होता है ये भी बताना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी इसके बाद जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ द ट्राइंगल ही नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाने वाली हूँ तो वो भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा एक और दो चीज़ें पूछी गई हैं उसमें, जैसे कभी भी कोई भी जो पॉइंट है वो अगर यदि आपकी इस फिगर के अंदर आ रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया और इनका नाम ले दिया ओ पी, सेम टू सेम यहाँ पर है, यहाँ पर है प्लस यहाँ पर है, इसको मैंने दे दिया जे ए एस। ठीक है, तो अब आपसे मैंने पूछा कि भाई अब इनको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो आप कह सकते हो कि जो आपकी जो फिगर है उसके अंदर पढ़ रहे हैं या उसकी लाइन पर पढ़ रहे हैं वो आपके इंटीरियर पॉइंट्स कहलाएंगे हमेशा। तो आप कह सकते हैं कि जो पी क्यू है वो आपका इंटीरियर पॉइंट है किसके, पी क्यू आर आपके ट्राइंगल के। और आपसे बोला जाता है कि अगर मान लीजिए बताइए लोकेशन ऑफ के जे और एस की लोकेशन बताइए ये कहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि भाई हमारा जो एंगल ट्राइंगल है कौन सा वाला पी क्यू आर उसकी जो है एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब उसकी जो बाउंड्री लाइन है उसके बाहर साइड में अगर कोई पॉइंट पढ़ते हैं तो वो सारे जो होते चाहे वो ऊपर हो नीचे हो साइड में हो वो सब जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएंगे। तो यहाँ पर आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और क्या नाम है एक्सटीरियर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट प्लस उसके बाद में लाइन सेगमेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ द एंगल को आप अपनी नोटबुक में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने सीखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपका ट्राइंगल डिफरेंट टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं वो कौन कौन से हैं वो सीखेंगे। तो एक बार फिर से हम रिमाइंड कर लेते हैं कि सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि पॉलीगॉन क्या है, पॉलीगॉन मीन्स होता है क्लोज फिगर जो आपके लाइन सेगमेंट से मिलकर के बने होते हैं, और इसमें मैंने आपको दो तरीके के फिगर्स को बताए हैं, जो तीन लाइन से बने होते हैं ट्राइंगल कहते हैं, चार लाइन से जो बने हुए होते हैं उसमें क्वाड्रिलेटरल बनते हैं, इसी तरीके से पाँच से बने हुए तो पेंटा कहलाएगा और छः से बना होगा तो हेक्सा कहलाएगा, सात से तो क्या नाम है सेप्टा, ऐसे ऑक्टा नैनो डेका ये सब दिखाते हैं। इसके अलावा इसमें जो होता है कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो इसमें जो होते हैं हमने जो डिटेल में पढ़ी है वो ट्राइंगल और अपना जो है क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा है कि इनके जो मीटिंग पॉइंट होते हैं उनको हम
वर्टेक्स कहते हैं और इनकी आर्म्स को हम जो कहते हैं वो एजिस कहते हैं। अब ट्राइंगल का मैंने जो कहते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स आपको बताए कि उनके जो कहते हैं लाइन सेगमेंट को हम अगर नोटबुक में लिखना होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस एंगल्स को लिखना होगा तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए कुछ फिगर्स जो होते हैं चाहे वो कुछ पॉइंट जो होते हैं अगर इनसाइड आते हैं तो उनको इंटीरियर बोला जाता है, अगर वो बाउंड्री लाइन के बाहर आते हैं तो उनको एक्सटीरियर बोला जाता है। ठीक है, चलिए बस इतना ही है आज इससे रिलेटेड। आपको एक्सरसाइज होते हैं 12.1 होते हैं उसको करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो होते हैं वो डिफरेंट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स के जो ट्राइंगल्स होते हैं वो सीखेंगे। तो आज की एक्सरसाइज आज ही कंप्लीट कीजिएगा वरना अदरवाइज अगर रह जाएगा तो फिर काम वर्कलोड और बढ़ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नोट डाउन कर लीजिए और नोट डाउन करने के बाद में एक्सरसाइज 12.1